لا إله إلا الله محمد رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں तो कह दीजिए बेशक मैं करीब हूँ मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे तो उनको चाहिए कि वो भी मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि वो हिदायत पा जाए सूरत नहल सूरत नहल को सूरत नाम भी कहा जाता है नमतों का जिक्र है सूरत हिजर में नमत कुरान का जिक्र है जो सबसे बड़ी नियमत है नमतों में और सूरत नहल में कौनी नेमतों का जिक्र है जो कायनात में बिखरी हुई है इंसान के फायदे के लिए अल्लाह ने पैदा की है और इस सूरत में अल्लाह ताला नेमतों के असूल और कवायद भी बयान करते हैं अता अमर ही फला तुस्ताजिलू सुबह नहुता अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा लिहाजा उसके लिए जल्दी ना मचाओ वो पाक है और उससे बुलंदर है जो ये लोग शिरक करते हैं वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही देकर फरिश्ते नाजिल करता है बिर रूह रूह के साथ मजीद को भी रूह कहा गया है क्योंकि रूह के लिए रूह ही गिज़ा है और इन बंदों को हुक्म देता है कि मुतनबे कर दो कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं लिहाजा मुझी से डरोने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है और जो कुछ ये लोग शिर कर रहे हैं अल्लाह उससे बुलंदो बरतर है उसने इंसान को नुतफे से पैदा किया मगर देखते ही देखते उसी के बारे में कुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया यानी इबन आदम जो है वो हर चीज के बारे में बहस करता है अल्लाह के वजूद के बारे में आखिरत के बारे में दीन के अहकाम के बारे में पैदा अल्लाह ने किया चाहिए था कि अल्लाह के आगे सर झुका दे हर चीज को मान जाए बगैर किसी बहस मुबाससे के लेकिन अल्लाह ने अकल किया दी या कुछ सोचने समझने की सलाहियत क्या दी कि खुद अल्लाह के वजूद को चैलेंज करने लगता है वल अन फीहा नीज चौपा को भी उसने पैदा किया जिनमें से बास की ऊन से गर्म कपड़े बनाकर तुम सर्दी से बचते हो लकुम फीहा दिफ उन व मनाफे व मिनहताउन नीज और भी कई फायदे उठाते हो और बास को तुम खाते भी हो यानी जानवरों के हुकूक का यहाँ पर जिक्र किया गया है ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किए और तुम इनसे फायदे उठाते हो तो फिर इनका ख्याल भी रखो नीज जब तुम इन्हें शाम को चरा कर लाते हो और जब सुबह चराने ले जाते हो तो उसमें तुम्हारे लिए ठाट भी है खूबसूरती है नीज वो जानवर तुम्हारे बोझ ऐसे शहर तक उठा कर ले जाते हैं जहां तुम सख्त जाफिशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते बिलाशुबा तुम्हारा रब बड़ा शफीक और रहम करने वाला है उसने घोड़े खच्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और वो तुम्हारे लिए बायस जीनत भी है घोड़ा जो है एक बहुत खूबसूरत जानवर भी है और वो और भी कई चीजें पैदा करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सवारी के लिए ये घोड़े खच्चर वगैरह ही थे और यहां इशारा कर दिया गया कि अभी और ऐसी चीजें पैदा होने वाली हैं जिन पे तुम सवारी करोगे लेकिन तुम उनको नहीं जानते वाला और एक और माना इसका यह है कि अल्लाह ने जो चीजें तखलीक की है कुछ तो उनमें से तुम देखते हो और कुछ ऐसे भी हैं जिनको तुम जानते ही नहीं बसा न बुराक तो बुराक के बारे में हमें नबी सलम ने खबर दी वरना हमें क्या पता बुराक क्या होता है इसी तरह और भी सवारियां और हो सकता है की आइंदा दिनों में और भी चीजें ऐसी आये जिनको हम ना जानते हो और सीधी राह बताना अल्लाह की जिम्मा है जबकि टेढ़े रास्ते भी मौजूद है और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता वही तो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया इस पानी को तुम पीते भी हो और इससे नबाता उगती हैं। और तुम मवेशियों को चराते हो वो इस पानी से तुम्हारे लिए खेती जैतून खजूर अंगूर और हर तरह के फल पैदा करता है गौर विकर करने वालों के लिए इसमें एक बड़ी निशानी है उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को नी सूरज और चांद को मुसखर कर रखा है और तमाम सितारे उसी के हुक्म के पाबंद है बिलाशुबा इसमें सोचने वालों के लिए कई निशानियां हैं तो इसमें आप देखिए कि तरह तरह के पलों का जिक्र जिन्होंने जमीन को सजाया हुआ है और फायदे के भी है और फिर आसमान की सजावट और जीनत और सितारों का जिक्र है तो याद रखिये सितारे जीनत के लिए है राह दिखाने के लिए है पूजे जाने के लिए नहीं जैसे कौम इब्राहिम पूछती थी और इसी तरह यह है कि सितारों से अपनी किस्मत वाबिस्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये किसी को कुछ फायदा और नुकसान नहीं दे सकते इसी तरह सितारों की कोई तासीर भी तस्लीम नहीं करनी चाहिए याद रखिये इल्म नजूम जादू की एक किस्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इल्म नजूम हासिल किया यानी किस्मतों का हाल मालूम करने के लिए सितारों को जाना परखा उसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया जितना ज्यादा सीखेगा उतना ही ज्यादा जादू में मुबतला होगा तो इसलिए नुजूमी का पेशा इख्तियार करना भी दुरुस्त नहीं जो जगह जगह बैठ जाते हैं और लोगों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारा सितारा गर्दिश में है नवजुबिल्ला वो तो हर वक्त ही गर्दिश में हो गई रुके हुए थोड़ी है तो फिर इंसान को तो कभी चैन ही ना आएगा नीज तो उसने तुम्हारे लिए जमीन में रंग बरंग कई चीजें पैदा की कलर्स का होना भी काबिल है। इसमें भी उन लोगों के लिए निशानी है जो सबक हासिल करते हैं वही तो है जिसने समुन्दर को तुम्हारे इख्तियार में कर दिया सुबह अल्लाह इतना इतना बड़ा कि जमीन के तीन हिस्सों को ढांपे हुए वो अगर बिफर जाए तो एक जो बाकी बचा हुआ उस पर भी छा जाए लेकिन अल्लाह ने उसको कंट्रोल में रखा और इस चीज का मुशाह आप उस वक्त करते हैं जब आप सी साइड पे जाते हैं और जब देखते हैं कि लहरें उठती हैं और फिर साहिल पे आके सरेंडर कर देती हैं झुक जाती वापस चली जाती उससे आगे नहीं आती हालांकि बाजात बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती कि वो शहर को भी अपनी लपेट में ले लें लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो पीछे ही रहती है इंसानों के लिए सामान्य जीत का इंतजाम रहे वही तो है जिसने समुन्द्र को तुम्हारे इख्तियार में कर दिया ताकि उसमें से तुम तरोताजा गोश्त खाओ वरना फिशिंग कैसे हो सकती अगर उसकी लहरें आउट ऑफ कंट्रोल होती और उससे वो जेवर निकालो जो तुम पहनते हो तो जेवर पहनना मना नहीं है हाँ हलाल से आया हो और एक हद के अंदर पहना जाए और तुम देखते हो कि कश्ती समुन्दर का पानी चीरती हुई चलती है कभी आप किसी लॉन्च पे बैठे हैं जब समुन्दर के बीच में जाते हैं तो किस तरह पीछे बाकायदा पानी दो हिस्सों में स्प्लिट होता हुआ नजर आता है और इसलिए भी कि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और उसका शुक्र अदा करो यानी समुन्द्र तुम्हारे लिए बनाया मछलियां तुम्हारे लिए पैदा की जेवरात सब निकालो मेहनत करो कमाओ हासिल करो लेकिन जायज तरीके से और फिर खर्च भी जायज तरीके से करो और इनमें खो के न रह जाओ यह है असल मसला और फिर ये कश्तियां के चलना भी अल्लाह की कुदरत की एक अलामत है कि किस तरह एक सुई समुन्दर में डूब जाती है और पहाड़ जितने जो शिप्स होते हैं वो पानी की सतह पर आराम से तैरते हुए चले जा रहे होते हैं नीज उसने जमीन को हचकोलों से बचाने के लिए उसमें मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि तुम्हें लेकर हचकोले न खाए वरना तो हर वक्त ही जलजला आया हुआ होता कुछ काम ना कर पाते और नहरें भी बनाई और रास्ते भी ताकि तुम आते जाते वक्त राह पा सको यानी कुछ इंसान ने रोड्स बनाई है लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल कुदरती रास्ते हैं पहले जमाने में रोड्स बनाई नहीं जाती थी लोग इन्हीं कुदरती रास्तों पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं लेकिन कुछ लोग भटक भी जाते हैं वो तारों को अपनी किस्मत का हाल मालूम करने का जरिया बना लेते हैं जबकि अल्लाह ने उनको कुछ और मकासद के लिए पैदा किया है अब जरा सोचो क्या वो अल्लाह जो ये सब चीजें पैदा करता है उस जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता खालिख और गैर खालिक बराबर नहीं हो सकते फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो सोचे कि सब कुछ किसने बनाया खुद से तो नहीं बन सकता और जब कोई चीज बनती है तो वो किसी मटेरियल से बनती है तो वो मटेरियल कहां से आया मसलन अगर आप ये कहें कि आसमान खुद ही बन गया चलो मान लेते हैं किस चीज से बना जिस चीज से बना वो कहां से आई उसको किसने बनाया? इसी तरह जमीन पे जो चीजें हैं इनको किसने बनाया हम तो कहते हैं अल्लाह ने बनाया अल्लाह ने ये सब कुछ पैदा किया कुन कु के पैदा किया या स्टेजेस में पैदा किया व तदरीज पैदा किया लेकिन ये कहना कि ये खुद से खुद ही सब कुछ वजूद में आ गया तो सब खुद से खुद वजूद में नहीं आ सकता इस्लाम इस चीज का जवाब देता कि अल्लाह खाली को कुल्लिस वाला कुल्लिस शई वकील अल्लाह ही हर चीज का खालिक है और वो हर चीज पर निगरान भी है वह इन तउ रहीम और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो कभी इनका हिसाब न रख सकोगे बिला शुबा अल्लाह माफ करने वाला रहम करने वाला है तो अल्लाह इस सूरत में बहुत सी निशानियों का जिक्र करेंगे कायनात की ताकि लोग अल्लाह को पहचाने और उसकी वहदानियत का इकरार करें मा वल्लामुमा तो सिरून अवात अच्छ तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो अल्लाह सब कुछ जानता है और अल्लाह के सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो कोई चीज क्या खाक पैदा करेंगे वो तो खुद पैदा किए गए यानी वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते वो तो पैदा किए गए हैं जो पैदा किया जाता है वो आगे क्या कर सकता है अमवात उन वो मुर्दे हैं जिंदा नहीं हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि कब दोबारा उठाए जाएंगे तुम्हारा इलाह बस एक ही इलाह है फिर जो लोग आखरत पर ईमान नहीं लाते इनकार उनके दिलों में रच बस गया है और वो अकड़ बैठे हैं तकबर करते हैं जो कुछ ये लोग छुपाते हैं या जो जाहिर करते हैं अल्लाह यकीन सब कुछ जानता है और वो तकबर करने वालों को पसंद नहीं करता क्योंकि तकबर इंसान को हक से रोक देता है और जब इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया तो कहते हैं बस पहले लोगों की दास्तान ही है यानी अल्लाह का इनकार करने वाले या अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाले अल्लाह की कदर नहीं करते उसका हक अदा नहीं करते और ना वो इस कलाम की कदर पहचानते हैं कुरान की कदर कीमत वही पहचानता है जो कुरान के भेजने वाले पर ईमान रखता है तो ये ईमान ही की लज्जत और चाशनी होती है जो इंसान फिर अल्लाह ही के हुक्म से दीगर चीजों पर ईमान लाकर महसूस करता है और ये इसलिए कहते हैं कि के दिन अपने बोझ तो पूरे के पूरे उठाए और कुछ उन लोगों के भी जिन्हें वो बगैर इल्म के गुमराह करते रहे देखो कैसा बुरा बोझ है जो वो उठाएंगे इनसे पहले भी लोग हक के खिलाफ चाले चलते रहे हैं फिर अल्लाह ने उनके मकर की इमारत को बुनियादों से उखाड़ फेंका और ऊपर से छत भी उन पर गिरा दी और उन्हें अजाब ऐसी जगह से आया जहां से उनका वहमो गुमान भी न था फिर के दिन अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा दुनिया में भी किया और आखिरत में भी करेगा और पूछेगा वो मेरे शरीक कहा है जिनके बारे में तुम अहले हक से झगड़ा किया करते थे और जिन लोगों को दुनिया में इल्म दिया गया वो कहेंगे आज काफिरों के लिए रसवाई और बदबकती है अल्लाई कतलिम वो काफिर जो अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आते हैं तो हथियार डाल देते हैं और कहते हैं हम कोई बुरे काम तो नहीं करते थे फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं कर रहे थे जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह यकीन उसे खूब जानता है बाबा जहन्नम खाली दीन अफीहा फल अब समल मुतकबरीन अब जहन्नम के दरवाजों से इसमें दाखिल हो जाओ तुम हमेशा उसमें रहोगे गर्ज तकबर करने वालों का बहुत बुरा ठिकाना है तो इन आयात से पता चलता है कि मरने के फौरन बाद ही रूह पे अजाब शुरू हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं नब बाबा जहन्नमा उधर से जाने निकाली उधर से उनको जहन्नम में भेजा यानी जिस दिन वो फौत होंगे और उनकी रूहें निकल जाएंगी उनकी कब्रों में उनके जिस्मों को जहन्नम की तपश और गर्म लू पहुंचेगी और उनकी रूहें जो है वो जहन्नम में फेंकी जाएंगी उसे जीन में फिर जब क्यामत का दिन आएगा तो उनकी रूहों को उनके जिस्मों में दाखिल करके उनको हमेशा हमेशा के लिए जानना में छोड़ दिया जाएगा। बस दुनिया की जिंदगी है मौज मेला मरने के बाद जिसम और रू दोनों मुसीबत में अलग अलग इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी रहता है जैसे सूरज और हमारा कनेक्शन सूरज करोड़ों मील दूर है लेकिन उसकी श्वाय हम पर पड़ती है और हम महसूस करते हैं गर्मी सर्दी जलन इसी तरह जिसम और रूह कितना भी दूर हो उनका आपस में इसी तरह का कनेक्शन होता है जो अजाब रूह पे हो रहा होता है वो जिसम महसूस करता है तो इसलिए मरते ही अजाब की खबर दे दी गई कि अजाब में दाखिल हो जाओ रसूल वसल्लम ने फरमाया अगर वो गुनागार आदमी हो यानी मरने वाला तो फरिश्ते कहते हैं ए खबीस रूह निकल जो खबीस जिसम में रही काबिल मुजम्मत होकर इसमें से निकल जलील होकर निकल खोलते हुए पानी और कांटेदार खाने की खुशखबरी कबूल कर लो अब तुम्हारे लिए ये अंजाम है और इसके अलावा दीगर अनवाकसाम के अजाब की भी खुशखबरी कबूल कर लो उसके सामने ये जुमले बार बार दोहराए जाते हैं यहां तक कि उसकी रूह निकल जाती मौत के वक्त भी जब जान ली जा रही होती है तो उसको डांट पड़ रही होती है और उसको आइंदा के लिए भी बुरी खबरें सुनाई जा रही होती उस वक्त हसरतों का क्या आलम होगा और यही बात जब परहेजगारों से पूछी जाती है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया तो वो कहते हैं भलाई ही भलाई यानी उन्हें सारे कुरान के अंदर खैर नजर आती है ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो बहुत बेहतर है और तकवा वालों के लिए क्या ही अच्छा घर है यानी आखरत का वाला नारुलमी दारत्तिन कितना खूबसूरत है कितना उम्दा है तो दुनिया की भलाई क्या है पाकिजा जिंदगी और आखरत की बुलाई नीरी जन्नत जन्ना तो अदनिदी बागत जिनमें वो दाखिल होंगे उनमें गहरे जारी होंगी और जो कुछ भी वो चाहेंगे उन्हें वहां मिलेगा अल्लाह तला परहेजगारो को इसी तरह जजा देता है इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात है कहते ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश में दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले तो दुनिया में तो इंसान की बेशुमार ख्वाशात हैं जो पूरी हो नहीं पाती आप जितनी मेहनत कर लें कोशिश कर लें तलब कर लें लेकिन वो सारी चीजें नहीं पूरी होंगी जो आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन अल्लाह ने उन ख्वाहिशात के पूरा होने की एक जगह रख दी दायमी बागत जन्ना तो आदम जिनमें वो दाखिल होंगे उनमें नहरें जारी होंगी और जो कुछ भी वो चाहेंगे उन्हें मिलेगा तो अल्लाह ताला परहेजगारों को ऐसी ही जजात देता है कुरान मजीद में ना वाला मातुम वाला फी हा मिन गफूर रहीम वहां तुम्हारा जो जी चाहेगा तुम्हें मिलेगा और जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारा होगा ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी होगी सिर्फ ख्वाहिश करने पर ही खाना सामने आ जाएगा हदीस में आता है कि जन्नती शख्स जन्नत के परिंदों में से एक परिंदा खाने की ख्वाहिश करेगा आज मुझे परिंदे का गोश्त खाना है तो वो उसके हाथ में पका हुआ और टुकड़े किया हुआ आ गिरेगा किसी भी काम की वो ख्वाहिश करेगा तो वो हो जाएगा नबी सल फरमायान्नत में से एक शख्स अपने रब से काश्तकारी की इजाजत जायेगा की मुझे फार्मिंग करनी है तो अल्लाह तला फरमाया क्या तू अपनी मौजूदा हालत को खुश नहीं, नहीं जो मिला हुआ वो कहेगा क्यों नहीं लेकिन मुझे पसंद है कि मैं खेती बाड़ी करूँ आपने फरमाया फिर वो बीच काश्त करेगा पलक झपकने में वो उगाएगा फौरन सीधा होगा और काटने के भी काबिल हो जाएगा देखते ही देखते पहाड़ की तरह अंबार लग जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा ए आदम के बेटे ये ले ले तुझे कोई चीज सैर नहीं कर सकती सब कुछ भी मिल जाए तो फिर इंसान कहता है कि ये ना करूं ये ना हो जाए यानी जो इकट्ठा कर चुका होता है उससे एंजॉय नहीं करता और खरीदने चल पड़ता है क्या ऐसा होता है कि आप सिर्फ उससे ग्रोसरी करें जब सब कुछ खत्म हो जाए फाहमला इकाबीन वो तो परहेजगार जो पाक सीनत होते हैं फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आते हैं तो कहते हैं तुम पर सलाम हो जो अच्छे अमल तुम करते रहे इसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ ऊपर काफिर का अंजाम बताया गया और यहां मोमिन का अंजाम बताया गया कि उसको आकर पहले सलाम करते हैं फरिश्ते खुशखबरी देने के लिए आये या जान निकालने के लिए आए तो सलाम करते हैं सलाम हो तुम पर जो अच्छे अमल तुम करते रहे उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ यानी जन्नत में जाने के लिए बहरहाल अमाल चाहिए अगर अगरचे वो काफी नहीं बाकी अल्लाह की रहमत हो जाएगी लेकिन नेक अमल के बगैर फिर सिर्फ इंसान खुशफहमी में जीता है हलिया इका क्या अब ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे है की इनके पास फरिश्ते आए या तेरे रब का हुक्म आ जाए इनसे पहले भी लोगो ने यही कुछ किया था अल्लाह ने तो उन पर जुल्म नहीं किया वो खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे थे फिर उन्हें अपने अमाल के बुरे नतज से दो चार होना पड़ा और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उन्हें गिर लिया और ये मुश्किन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो न हम अल्लाह के सिवा किसी चीज की इबादत करते और न हमारे आबाओ अजदाद न ही हम उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम करार देते इनसे पहले लोगों ने भी यही कुछ किया था रसूलों पर तो सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि वो वाजे तौर पर पैगाम पहुँचा दें। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा जो उन्हें यही कहता था कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दे दी और कुछ ऐसे थे जिन पर गुमराही साबित हो गई सो तुम जमीन में चल फिर कर देख लो के जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ ऐसे लोगो की हिदायत के लिए आप कितनी ख्वाहिश करे अल्लाह जिसे गुमराह करते उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता और उनका कोई मददगार भी नहीं और वो अल्लाह की पक्की कस्में खाकर कहते हैं कि जो मर जाता है अल्लाह इसे दोबारा नहीं उठाएगा उठाएगा क्यों नहीं ये तो ऐसा वादा है जिसे पूरा करना अल्लाह के जिम्मा है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं अल्लाह ने हर चीज जोड़ा जोड़ा पैदा किया तो जिंदगी का जोड़ा मौत है और मौत का जोड़ा जिंदगी कुन तुम हम वातन हम क्या थे मुर्दा फाहिया कुम हो गए जिंदा तुम्मा तो कुम फिर होंगे मुर्दा सुम मयो कुम फिर जिंदा होंगे लेकिन उसके बाद कोई मौत नहीं क्याद के दिन मौत को जबा कर दिया जाएगा तो अहले जहन्नम इतना रोएंगे कि अगर वो मर सकते गम से तो मर जाते और अहले जन्नत बहुत खुश हो जाएंगे कि अल्लाह ने उनकी छोटी मोटी इत को कबूल कर लिया ये उठाना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह इन पर वो हकीकत वाजे कर दे जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं और इसलिए भी जरूरी है कि काफिर जान ले कि वही झूठे थे तो हम जब किसी चीज का इरादा कर लेते हैं तो बस इतना ही कह देते हैं कि हो जा तो वो हो जाती है तो अगर किसी का इस बात पर ईमान हो कि अल्लाह ताला सिर्फ कन कह के सब कुछ कर सकता है तो फिर इस तरह की बातें करना कि क्या अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज पैदा कर सकता की जिसको वो खुद ना उठा सके ये सवाल उसके जहन में पैदा होते हैं जो अल्लाह की कदर नहीं करता जो अल्लाह को पहचानता नहीं और उसकी ताकत को नहीं जानता जो उसकी मारिफत नहीं रखता और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए घर बार छोड़े हाजरू हिजरत की हम उन्हें दुनिया में भी बहुत अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है काश वो लोग जानते होते याद रखिए, जो शख्स अल्लाह की खातिर कोई चीज छोड़ देता अल्लाह उसको उससे बेहतर अता करता चाहे कोई खाने की चीज हो चाहे कोई इस्तेमाल की चीज हो जिसको छोड़ने में अल्लाह की रजा मतलूब हो या अपना घर बार और वतन हो और आखरत का अजर तो बहुत बड़ा है काश वो लोग जानते होते काश लोगों को पता होता कि अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह की खातिर घर बार छोड़ देते हैं उनके लिए कितना बड़ा अजर लिख रखा है ताकि उनका शौक और बढ़ जाता यानी जिन लोगों ने सब्र किया और अपने रब पर ही भरोसा करते हैं आपसे पहले हमने जितने भी रसूल भेजे हैं वो आदमी ही होते थे जिनकी तरफ हम वही करते थे लिहाजा अगर तुम खुद नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो इन रसूलों को हमने वाज दलायल और किताबें देकर भेजा था और आपकी तरफ ये जिक्र यानी कुरआन इसलिए नाजिल किया गया है ताकि आप लोगों को वाज तौर पर बता दे कि उनकी तरफ क्या चीज नाजिल की गई है इसलिए की वो इसमें गौर विक्र करें जो लोग बुरी चालें चल रहे हैं क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें जमीन में धंसा दे या ऐसी जगह से उन पर अजाब आ जाए जहां से आने का उन्हें वह गुमान भी ना हो या उन्हें चलते फिरते ही पकड़ ले तो ये लोग उसे आजिश करने की ताकत नहीं रखते या उन्हें इस तरह पकड़ ले कि वो कमजोर होकर तबाह हो जाए बिला शुबा आपका रब तर्स खाने वाला और रहम करने वाला है जो उन्हें मोहलत पे मोहलत दिए जा रहा है अबालमया खलक अल्लाह मिनशाई क्या इन लोगों ने अल्लाह की पैदा करदा अशिया में से किसी चीज को भी नहीं देखा कि उसका साया कैसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अल्लाह के सामने सजदा करते हुए डलता रहता है यानी साय को देख के हम कभी नहीं सोचते कि सजदा कर रहा है और ये सब चीजें इंतहाई इज्जत का इजहार कर रही हैं बाकी चीजें भी अल्लाह के आगे झुकी हुई हैं आसमानों और जमीन में जितनी मखलूक है और फरिश्ते भी सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं और कभी तक कबूर नहीं करते वो अपने रब से डरते रहते हैं जो उनके ऊपर है और वही काम करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है सजदा कर लीजिए यहां सजदा करने की क्या हमत है क्योंकि फरिश्तों ने सजदा किया था ना यह फरिश्तों का जिक्र है तो हमें भी सजदा करना चाहिए वकाल तलाहीन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दो इलाना बनाओ इला सिर्फ एक ही है लिहाजा मुझे से डरो अगर दो की इजाजत नहीं तो तीन और पांच और ज्यादा की तो फिर है ही नहीं आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब कुछ उसी का है और उसी की इबादत लाजिम है फिर क्या तुम अल्लाह के सिवा दूसरों से डरते हो तुम्हें जो नेमत भी मिल रही है वो अल्लाह की तरफ से है सोचे तो सही जो कुछ भी आपको मिला जिंदगी मिली सलाहियतें मिली जहानत मिली घर बार मिला खाने पीने को पहनने ओढ़ने को घूमने फिरने को आल औलाद बच्चे बच्चों के बच्चे ये सारी नियमते अल्लाह ने दी है अल्लाह फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी के आगे चीखो पुकार करते हो यानी ने नेमतों में उसको भूल जाते हो तकलीफ आती है तो फिर ही उसकी तरफ रागिब होते हो फिर जब वो तुमसे उस तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर करने लगते हैं फिर वो दूसरों को क्रेडिट देते हैं फुला डॉक्टर की वजह से मैं सेहत याब हो गई या फुला इंसान की मदद से मेरी मुश्किल आसान हो गई अल्लाह का फजल साथ याद रखना चाहिए कि अल्लाह के फजल से फुला ने मदद कर दी तो ऐसा हो गया फिर जब वो तुमसे उस तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से कुछ अपने रब के साथ शिरक करने लगते हैं ताकि अल्लाह ने उन्हें जो कुछ दे रखा है उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसकी नाशुक्री ही करें अच्छा कुछ देर मजे कर लो बस थोड़ी सी मोहलत और है कर लो जो दुनिया में करना, अनकरीब तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी नीच जो रिस्क हमने उन्हें दे रखा है उसमें से ऐसे शरीकों का हिस्सा मुकर करते हैं जिनके मुतल उन्हें इल्म नहीं है पता ही नहीं उनकी कोई हकीकत ही नहीं और उनके नाम पर नजर न्याज दी जा रही है अल्लाह की कसम जो कुछ तुम अल्लाह पर इफ्तरा करते हो गढ़ते हो उसकी तुमसे जरूर बास पुरुष होगी इन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज की हैं अहले अरब में भी कई कबाइल ऐसे थे जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे हालांकि वो ऐसी बातों से पाक है और उनके लिए वो कुछ है जो वो खुद चाहें यानी खुद अपने लिए बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह की बेटियां करार देते हैं और जब इनमें से किसी को लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गम से भर जाता है याद रखें बेटा हो या बेटी ये अल्लाह की तकसीम है और अल्लाह की तकसीम मोमिन के लिए बड़ी बेहतर होती है हम समझते हैं कि नहीं बेटी नहीं बेटा ही हमें फायदा देगा तो बाजोकात बेटी वो कुछ देती है जो बेटा नहीं देता भलई सदा करू कल उन लेकिन अहले अरब ये बात समझते नहीं थे और आज की जाहिलियत में भी आप देखें कि बेटियों की पैदाइश पे लोग गमगीन हो जाते हैं कि इनको बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती है तो ये गमगीन हो जाते हैं और ये किसका फेल है मुशरकी मक्का का फेल था मोमिन को यह जेब नहीं देता कि वो बेटियों के पैदाश में गमगीन हो वो अल्लाह का फैसला समझ के उसको कबूल करता है और इसमें यह भी है कि हमें बेटियों को बुरा नहीं समझना चाहिए नबी सल अलैहि वसलम ने फरमाया बेटियों को बुरा ना समझा करो क्योंकि वो इंतहाई कीमती और गमखार होती है जितनी वो वालदेन की केयर करती हैं उनका साथ देती है बेटे नहीं देते वो अपनी दुनिया में होते हैं रसूल अल्लाह सल्लाम ने फरमाया मोमिन पर ताजुब है कि अल्लाह उसके लिए जो फैसला फरमाता है वो उसके हक हाँ में बेहतरी होता है अगर औरतों को ये वाली बात समझ आ जाए ये हदीस पले बांधे तो जो भी पैदा हो उस पर फिर गम ना करे राजी हो जाए और जो अल्लाह से राजी होता है अल्लाह उसके साथ क्या मामला करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है अगर हम ही नाराज है अल्लाह से तो फिर कैसे तो रख सकते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो फिर क्या होगा या तबारा मिनल कौनसू मिन इमाबीरबी और दी हुई खबर से आर की वजह से लोगों से छुपता फिरता है और सोचता है आया इस लड़की को जिल्लत के बावजूद जिंदा ही रहने दे या जमीन में गाड़ दे देखो ये लोग कैसा बुरा फैसला करते यानी इनकी ये बातें इंतहाई गलत है बुरी मिसाल तो उन लोगों के लिए है जो आखरत पर ईमान नहीं रखते अल्लाह के लिए तो बुलंदर मिसाल है आला, और वो हर चीज पर गालिब और हिकमत वाला है ताला को लोगों की तरह नहीं समझना चाहिए कि जो मिसालें आप लोगों के लिए देते हो अल्लाह पे चश्मा करें। अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की बिना पे पकड़ने लगता तो जमीन पर कोई जानदार मखलूक बाकी न रह जाती हर जान वाला किसी न किसी तौर पर किसी न किसी के साथ जाति कर जाता है लेकिन वो एक मुन अरसे तक ढील दिए जाते हैं फिर जब वो मुद्दत आ जाती है तो अल्लाह का आजाब उनसे घड़ी भर के लिए भी आगे पीछे नहीं हो सकता जालिम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। यानी बाज लोग जालिम नहीं होते जालिमों का साथ देते बाज लोग जालिमों के बीच में रहते हैं और उनके जुल्म को बुरा नहीं कहते तो ये भी दुरुस्त नहीं अब हुर कहते हैं उन्होंने एक आदमी को कहते हुए सुना बेशक जालिम अपने आप ही को नुकसान पहुंचाता है तो उन्होंने कहा तुमने बहुत बुरी बात कही बेशक एक परिंदा अपने घोंसले में जालिम के जुल्म की वजह से ही मर जाता है न सिर्फ अपने आप को नहीं नुकसान देता बल्कि दूसरों को भी नुकसान देता है तो जुल्म की तीन किस्में हैं एक है अल्लाह के साथ और वो है शिरक जो सबसे बड़ा जुल्म है इन शिरका लज़ुल्मुन अजीम दूसरा जो बंदों का बंदों पे जुल्म होता है हकूक में कमी अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा जब तक बंदे नहीं करेंगे और तीसरे जो अल्लाह और बंदों के बीच में होता है जैसे कोई गुनाह का काम कर लिया तो अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर दे तो ये याद रखिए कि अल्लाह हर सूरत में मजलूमों को झालिमों से किसा दिलवाएगा वो जो कंतरा की बात हुई ना पहले वो जगह ऐसी है कि जहाँ मोमिन भी एक दूसरे से अपने हिसाब किताब पूरे कर लेंगे और मैदान हशर में भी लोगों को जवाबदेही करनी होगी अगर किसी पर भी जुल्म किया किसी का भी हक मारा ये लोग अल्लाह के लिए वो तजवीज करते हैं जिसे खुद ना पसंद करते हैं और इनकी जबान झूठ बकती कि इनके लिए भला ही भला है इनके लिए यकीनी चीज तो दोजा की आग है और उसमें ये सबसे आगे धकेले जाएंगे अल्लाह की कसम हम आपसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ रसूल भेज चुके हैं तो यही होता रहा है कि शैतान उन्हें उनके करतूत मुजयन करके दिखाता रहा और आज भी शैतान ही उनका दोस्त बना हुआ है और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा तो इंसान जिसकी इतात करता है वो उसका दोस्त कहलाता है वली कहलाता है हमने आप पर यह किताब सिर्फ इसलिए नाजिल की कि जिन बातों में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं उनके बारे में आप उन पर वाजे कर दें नीज ये किताब ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत भी है यानी इख्तिला को खत्म करने वाली भी है और हिदायत और रहमत भी है और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया जिससे जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिंदा किया बारिश इसमें भी उन लोगों के लिए निशानी है जो गौर से सुनते हैं बारिश की आवाज भी होती है नीच तुम्हारे लिए चौपाओं में भी इबरत के निशान मौजूद है उनके पेटों में गिजा का फुजला और खून मौजूद होता है तो उन दोनों चीजों के दरमियान से हम तुम्हें खालिज दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है सुबहान अल्लाह गाय चारा खाती है मेदे में जाता है उससे फजला भी बनता है पेशाब और गोबर बनता है और दूसरी तरफ खून बनता है इन दो चीजों के बीच में खालिज दूध भी पैदा होता है ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत की निशानी ये तकसीम कौन करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है कि हाजमे के बाद कौन सी चीज किस नाली में जानी चाहिए वरना अगर दूध की नाली में थोड़ी सी भी आमेजश हो जाए किसी और चीज की तो दूध पीने के लायक ना रहे दूध बड़ी बेहतरीन चीज है दूध का तोहफा वापस नहीं करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें लौटाई ना जाए तकिया तेल और दूध तेल में खुशबू है तेल के लिए अरबी में लफ्ज दोहन है दूध पिलाना बाय से अजर होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी को हदिये में चांदी या सोना दे यानी कोई गोल्ड का गिफ्ट दे या किसी को मशकीजा दे कोई इस्तेमाल की चीज दे या किसी को दूध पिला दे तो ये ऐसे है जैसे गुलाम को आजाद करना या उसकी आजादी में कीमत देना क्योंकि आज के दौर में तो गुलाम नहीं तो गुलाम को आजाद करने का बहुत बड़ा सवाब है क्योंकि गुलाम आजाद करना अपने आप को जहन्नम से आजाद करवाना है तो उसके अल्टरनेट क्या है कि इंसान जहां जिस चीज की जरूरत हो वो चीज दे दे ख्वाब में अगर कोई दूध देखता है तो ये फितरत की अलामत है यानी वो दीन पर है रसोल अल्लाह ने फरमाया मैंने खाब में इतना दूध पिया मैं की मैं दूध की शराबी देखने लगा जो मेरे नाखनों पर बह रही थी फिर मैंने प्याला उमर को दे दिया साहबा ने पूछा इसकी ताबिर किया आपने फरमाया दूध पीकर दुआ भी पढ़नी चाहिए अल्लाह बारिक लनाफी ही वर जुकना खर अमिन या अल्लाह बारिक लनाफी ही वमिन हूँ या अल्लाह तो हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें इससे ज्यादा दे नीस खजूर और अंगूर के फलों से भी क्या क्या नहमते अल्लाह ने पैदा की और रोजे में तो अब ये नियमते आपको बहुत अच्छी लग रही होगी दूध का जिक्र है और फलों का और अंगूरों का और अल्लाह की खातिर अपनी भूख प्यास कंट्रोल की भी है न अल्लाह बेहतरीन मेहमानी करेगा इनशाला अल्लाह हमें हौज कौसर से भी पिलाए और सलसबील के चश्मों से भी पिलाए और अपने हाथ से भी शराब तहूर पिलाए और सका हम रब हम शराब बन तहूरा क्योंकि इस प्यास का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि अपने रब को राजी करें नीस खजूर और अंगूर के फलों से भी हम तुम्हें एक मशरूब पिलाते हैं जिसे तुम नशा भी बना लेते हो और उम्दा रिस्क भी अरबो क्या अंगूर की शराब बनाई जाती थी अहले दानिश के लिए इसमें भी एक निशानी यानी अल्लाह ने इतना पाक रिस्क पैदा किया तुम तो अपने लिए खराब चीज़ें बनाते उससे नीस आपके रब ने शहद की मक्की की तरफ वही की पहाड़ों में درختوں में और अंगूर वगैरह की बेलों में अपना घर बनाओ छता बनाओ फिर हर किस्म के फल ऐसी उसका रस चूसो और अपने रब की हम करदा राहों पर चलती रहो इन मक्खियों के पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब शहद निकलता है जिसमे लोगों के लिए शिफा है यकीन इसमें एक निशानी भी है उन लोगों के लिए जो गौरव फिकर करते हैं याद रखिये एक पाउंड शहद बनाने के लिए शहद की मक्खी जो है पचपन हजार मील उड़ती है फिफ्टी फाइव थाउजेंड माइल्स फ्लाई करती है तब जाकर वो एक पाउंड शहद बनता है और हम शहद के इस्तेमाल में बाजुकात बड़ी जाती करते हैं चम्मच से लगा है तो उसको चाटने के बजाय ऐसे ही धोने के लिए फेंक देते हैं या डालते हुए अगर कुछ गिर गया है तो उठाते नहीं मक्खी की बेचारी की जान चली गई मेहनत कर करके और हमने इतनी भी कदरदानी नहीं की और ये सारा प्रोसेस यहाँ बता दिया गया कि मक्खी फूलों में से रस निकालती है फिर अपने छत्ते तक लेके जाती है फिर वो छत्ते में रहने वाली मक्खियों को देती है वो रस जो उसे एक दूसरे को ट्रांसफर करती रहती है जब तक के रतूबत जो है सेवेंटी परसेंट से ट्वेंटी परसेंट हो जाए और इस तरह वो रस जो है वो ट्रांसफार्म होता होता शहद बन जाता है और मक्खी अपने वजन जितना बोझ उठा लेती जबकि आज बड़े से बड़ा जहाज अपने वजन का सिर्फ वन फोर्थ उठा सकता है और हम अपने वजन का कितना उठा सकते जितना हमारा वजन है आप सबको पता ही होगा ये डर के मारे नहीं किया होगा क्या उतना बोझ हम उठा लेते हैं हम उतना बोझ नहीं उठा सकते बच्चा जरा सा बड़ा हो जाए तो कहते हैं अब नहीं उठाया जाता इसको प्रा में डालो तो ये एक मक्खी कितनी मेहनत करती और इसमें बेशुमार सबक है और कितनी ऑर्गेनाइज वे में और किस तरह फिर बेहतरीन मशरूब के उसमें शिफा रख दी गई बास के ख्याल में हर बीमारी के लिए और बास के ख्याल में मखसूस बीमारियों के लिए शिफा है हर बीमारी के लिए नहीं है लेकिन बहरहाल एक मुफीद ड्रिंक है जिसको पानी में या दूध में दूसरे गजाओं के साथ मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है और मरहम भी है लगाने के लिए की तरह भी काम करती है रसूल ने फरमाया तीन चीजों में शिफा है हिजामा करवाने में, लगवाने में शहद पीने में और आग से दागने में मगर मैं अपनी उम्म को आग से दागने से मना करता हूँ तो गोया ये एक बेहतरीन दवा भी है यहाँ फरमाए इन निकल आयत में यह तफक् इसमें शहद की मक्खी में उस कौम के लिए जो गौरव फिक्र करती बड़ी निशानी है आप देखिए अल्लाह ताला मक्खी को कहते हैं अब ये करो अब ये करो अब ये करो वो सब कुछ करती है किसके लिए करती है बताइए जरा अपने लिए वो खुद तो नहीं खाती है उसको हमें देती है। हमारे लिए तैयार करती फ्री वर्कर्स हैं। अगर आप नेचुरल हनी लें, आपको कुछ भी नहीं जाता उसमें वो कहीं से आती है बना के चली जाती है और आप उतार के मजे करते हैं किसने ये नेमत बख्शी अल्लाह इज्जत ने क्या हम भी अल्लाह के इतने ही फरमा बरदार हैं अल्लाह की इतात में इतने ही दौड़े फिर रहे और मक्की की मिसाल तालब इम की तरह भी है तालब इम भी इल्म के लिए सफर करता है भागा दौड़ा फिरता है और फिर जगह जगह से इल्म हासिल करता है फिर उसको आगे ट्रांसफॉर्म करता है और फिर उसे देने के काबिल हो जाता है रसूल अल्लाह सलम ने फरमाया मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है जो सिर्फ पाक चीज खाती है और पाकिजा फल देती है अगर गलती से किसी गलत चीज का रस वो खा ले तो दूसरी मक्खियां उसको मार डालती है अंदर ही नहीं आने दिया जाता उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है जो पाकिजा चीज खाती है पाकिजा रस खारिज करती है यानी इनपुट आउटपुट दोनों पाकिजा और जिस फूल पत्ती पे बैठती है ना वो टूटता ना वो खराब होता है सुबहान अल्लाह ये तरीका से खा दिया गया कि मोमिन ने दुनिया में मुख्तलिफ चीजों को किस तरह हैंडल करना है किस तरह उससे इस्तेमाल करना है और हम किस तरह रिसोर्सेस को अब कर रहे हैं वल्लाहु वल्लाम सुमिन कुमैरदा अरज लिखिला इन अलीर अल्लाह ने तुम्हे पैदा किया फिर वही तुम्हें मौत देता है जब मौत आती है तो कोई बचा नहीं सकता खा तुम बिल्कुल हेल्दी हो फरिश्ता आएगा रू लेके चला जाएगा और तुम में से कुछ लोगों को रजील तरीन उम्र तक पहुंचा दिया जाता है इंतहाई बुढ़ापा ताकि सब कुछ जानने के बाद कुछ ना जाने और बुढ़ापे में अगर और कोई तकलीफ ना भी हो तो जो भूलने वाली बीमारी लग जाती है सारा इल्म धरा, धरा रह जाता है इंसान की डिग्रियां दीवार पर सजाई हुई होती हैं और इंसान नीचे बेड रिडन होता है और उसको नहीं पता होता कि सामने वाला कौन है शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ हो कि जो बहुत इल्म वाले हो लेकिन आखिरी उम्र में पहुंचकर उनको अपने बच्चों की भी पहचान नहीं रही रहम आता है अगर वालदेन में से कोई इस हाल में हो तो खुर रब रहम हु कमा रब्ब यानी सफीरा ऐसे मरीजों के लिए बसल्ला से रहम मांगना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं क्या दुआ पड़े इनके लिए हमत की दुआ करें कि जो चीज इनके हक में बेहतर है वो हो बिला शुबा अल्लाह तला सब कुछ जानने वाला और कुदरत वाला है नीज अल्लाह ने तुम्हे रिस्क के मामले में एक को दूसरे पर फजीलत दे रखी ये अल्लाह की तकसीम है कोई हमसे ऊपर है कोई नीचे है तो इस पर नाराज नहीं होना चाहिए जलना कुड़ना नहीं चाहिए बहन भाइयों में बड़ा फर्क वाकई हो जाता बाजूकात फिर उस बिना पे आपस के ताल्लुका में बड़ी कशीदगी पैदा हो जाती फिर जिन लोगों को रिस्क ज्यादा दिया गया वो ऐसे तो नहीं जो जायद रिस्क को अपने गुलामों की तरफ लौटा दें, कि एक्स्ट्रा किसी और को दे दें, कि दे गुलाम सब रिस्क में बराबर हो जाएं। क्या फिर वो अल्लाह की नेम तो कहीं इनकार करते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने अपने इख्तियार कुछ मखलूक को दे दिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीविया बनाये कितनी नियमतों का जिक्र गिनते ही चले जाए और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते बनाये या बीवियों की कदर भी बताएगी की उनसे तुम्हें ये नियमते मिली बाजुकत लोग क्या करते हैं बीवी को तो जूती की नोक पे रखते है जब चाह ठुकरा दिया जब चाह जलील कर दिया जब चाहे डांट डपट कर दिया और अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है और फिर अगर उनके आगे बच्चे हो जाए तो उनसे तो और भी प्यार हो जाता है लेकिन जो सबब बनी है उसकी कोई इज्जत नहीं किस कदर जुलम की बात है तो अल्लाह सबाना ये भी तो कह सकते थे कि अल्लाह ने तुम्हें बेटे और पोते दिए क्या फरमाया वजाला कुम अजवा जी कुम बनी नफदा वह रजाकुम नक्त बात और तुम्हे पाकिजा चीजों का रिस्क अता किया क्या फिर वो बातिल मबूदो पर यकीन रखते हैं और अल्लाह की नियमतो का इनकार करते हैं अल्लाह के सिवा वो जिन चीजों को पूछते हैं वो आसमानों और जमीन से उन्हें रिस्क मुहैया करने का कर कुछ इख्तियार नहीं रखती और न ही वो ये काम कर सकती है अल्लाह के लिए मिसाल मत बयान करो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते अल्लाह एक मिसाल बयान करता है एक गुलाम है जो खुद किसी की मिलकियत है वो किसी चीज की कुदरत नहीं रखता और दूसरा वो है जिसे हमने उमदा रिस्क अदा किया फिर वो उससे खुफिया और अलानिया हर तौर पर खर्च करता है क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं अल्लाह सब कुछ देने वाला है और हम दूसरों की तरफ देखते हैं, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है बल्कि अक्सर लोग ये सीधी सी बात भी नहीं जानते नीज अला एक और मिसाल बयान करता है दो आदमी है जिनमें से एक गुंगा बहरा है किसी बात की कुदरत नहीं रखता कुछ करने के काबिल नहीं वो अपने मालिक पर बोझ बना हुआ है मालिक उसे जहां भेजता है वो भलाई से नहीं आता क्या ऐसा शख्स उस दूसरे के बराबर हो सकता है जो इंसाफ के साथ हुक्म देता है और सीधी राह पर गामजन है मानिए तुम तो अल्लाह को छोड़ के जिनके पास जाते हो उनसे किसी खैर की तुम्हें तो नहीं होनी चाहिए सारी खैर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है आसमानों और जमीन के पोशिदा हकायक का इल्म तो अल्लाह ही को है और क्यामत का सिलसिला यू होगा जैसे आँख की झपक ब्लिंग बस इतनी देर में क्या आ जाएगी अल्लाह अकबर अल्लाह की कुदरत का अंदाजा होता है या इससे भी जल तर आँख ब्लिंक करने में भी टाइम लगता है अल्लाह यकीन हर चीज पर कादिर है वल्लाह अखरज कुमुने हाथिकुम अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से निकाला इस हाल में कि तुम कुछ ना जानते थे फिर माँ का जिक्र है यहाँ और किस तरह बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है जो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है तो माँ की कदर करनी चाहिए माँ की उस तकलीफ को अगर इंसान याद कर ले तो उसकी कोई बात बुरी ना लगे वरना ऐसा होता ना कि हम छोटी चुट छोटी बातों पर माँ बाप से नाराज रहते हैं ऐसे क्यों कह देते हैं ये नसीहत क्यों कर दी उस चीज से क्यों रोक दिया नहीं आज हम जो दुनिया इंजॉय कर रहे हैं और अगर नेक काम करके अल्लाह जन्नत दे और हमेशा के लिए इंजॉय करे तो जरिया कौन बना था दुनिया में लाने का और बास तो नाखल फैसे तो क्यों लाए थे इंतहा दर्जे की नाशुक्री का कलमा इंतहा दर्जे की नाशुक्री और उसी ने तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो आंखों से देखो नेमत को तो शुक्र अदा करो सुबहान अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह को कानों से सुनो ये दोनों दिल के दरवाजे हैं ना जो भी चीज इन दो जराये से दिल पे असर करती है उस पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह हमें इसकी तोफीक दे क्योंकि होता यह है कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना अट्रैक्ट करती हम उसी की तारीफ में पढ़ जाते हैं कोई फूल अच्छा लगे कोई इंसान अच्छा लगे कोई खाना अच्छा लगे बस सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं पढ़ना भूल जाते हैं અને અલ્લાહ કો શુક્ર એક તો અલહમદુલ્illah કહે કે હોતા અલ્લાહ કો યાદ કરકે હોતા અલ્લાહ કે બડાઈ બયાન કરકે હોતા ઓર એક અલ્લાહ કા નામ લેકર હોતા હૈ ઉસ જગહ પર અગર ખાને પીય બિસ્મિલ્લા ઓર આખિર મે અલહમદુલ્illah કહે દેતે તો શુક્ર અદા હો જાતા હૈ અલ્લાહ ઉસ બંદે સે રાજી હો જાતા હૈ જો પાની કા એક ઘૂંટ પીતા હૈ ઓર અલહમદુલ્illah કહેતા હૈ લેકિન કિતની દફા હમ બેખ્યાલી મે એસે પકડતે હૈ બાયે હાથ સે ઓર ખડે હોકે પી કે ચલ ભય સુન્નતો કી ભી મુખાલફત કી ઓર અલ્લાહ કો ભી નારાઝ કિયા ઓર ના કોઈ બિસ્મિલ્લા ઓર ના કોઈ અલહમદુલ્illah तो इन नेमतों का तस्करा किया जा रहा है ताकि बंदा रब का शुक्रगुजार हो क्योंकि अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों से मोहब्बत करता है और रमज़ान का एक मकसद वो लाअ तस्करून भी है अब जब नेमतों पे पाबंदी लगी है ना थोड़ी सी तो फिर शाम को जब इफ्तार के वक्त पियेंगे ना तो खुद ब खुद अलहमदल्ला निकलेगा फिर याद आ जाता है जब नमतों की कसरत हो जाती है तो गाफिल हो जाते हैं फिर परिंदों की बात की गई क्या इन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि आसमानी फजा में कैसे मुसखर है उन्हें अल्लाह ही थामे हुए है जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां परिंदों पर गौर विकर करो अब उजर कहते हैं कि हमने रसूल सल्लाह को छोड़ा लेकिन आपकी जिंदगी में जब कोई परिंदा फजा में अपने पर फड़फड़ाता आप उससे हमारे लिए कोई इल्म की बात निकाल लेते थे उड़ते परिंदे से भी हमें कुछ सिखाते थे ये होती है इबरत की निगाह ये होती है शुक्रगुजारी ये होता है गौरव फिकर जिसकी हमें तलकीन की गई है जानवरों की तरह नहीं रहना दुनिया में आखे कान बंद करके रखें और सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील पर ही नजर हो और खुद गर्जी की जिंदगी बसर करें, नियमतों को अप्रीशियेट करते चले जाए एहसानात को माने अल्लाह की तरफ से उनको भी माने और जो बंदों की तरफ से उनको भी। बंदों की भी कदरदानी करे और इन परिंदों और इन जानवरों की जो खासतौर पर हमारे लिए काम करते जैसे शहद की मक्खी लेकिन मक्खी देखते ही हमारा हाल क्या होता है हम अलहमदल्ला कहना भूल जाते हैं। और दूर से डरने लगते हैं कि हमें काटेगी इससे यह भी पता चलता है कि जो चीजें फायदा देती है कभी कभी काट भी लेती है फिर भी इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए और उससे शुक्र कैसे अदा करे कि कोई बात नहीं अगर इसने काटा तो शायद भी तो ये देती है ना लेकिन हम तकलीफ ज्यादा याद रखते हैं और दूसरे की मेहरबानी को कम याद रखते हैं अल्ला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाये सुकून बनाया सुखान अल्लाह घरों की नियमतें इंसान चाहे सेवन स्टार होटल में रहके आए जो सुकून अपनी झोंपड़ी में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता और चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे घर यानी खेमे बनाए जिन्हें तुम नकल मकानी और क्याम दोनों हालतों में हल्का पाते हो पहले अरब के ये घर होते थे और उनकी ऊन उन, पशम और बालों से तुम्हारे लिए घर का सामान और कुछ मुद्दत के लिए मैषत बनाया मेरी जानवरों से बेशुमार फायदे हैं। नीज अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी मखलूक की अक्सर चीजों के साय बनाए वो भी एक नेमत है और पहाड़ों में कमीन गाये छुपने की जगह बनाई और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास बनाए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं और जो लड़ाई के वक्त बचाते हैं अल्लाह इसी तरह तुम पर अपनी नियमते पूरी करता है ताकि तुम फर्मा बनो नियमतें तो इस्तेमाल करनी ही है इस्तेमाल करना उनको अप्रिशिएट करना है जया करना अप्रीशियेट करना नहीं है लेकिन साथ शूरी तौर पर भी उसके बंदे बन जाओ व इन तवल फिर अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो अबी आप पर तो बिल वजाहत पैगाम पहुंचा देने की ही जिम्मेदारी है यारिफुना ने रू नहा वह अक्सर काफिर वो अल्लाह की नियमतों को पहचानते भी है मगर फिर उसका इनकार कर देते है और इनमें से अक्सर ना शुक्र है अक्सरियत और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे तो फिर काफिनों को ना तो उजर पेश करने की इजाजत दी जाएगी और ना ही तोबा का मौका दिया जाएगा और जब ज़ालिम लोग अजाब देख लेंगे तो फिर उनके अजाब में तख़फीफ़ नहीं की जाएगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी और जब मुशरकिन अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे ऐ हमारे रब ये है हमारे खुद साख्ता शरीक जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे उस पर वो शरीक उन्हें साफ जवाब दे देंगे कि यकीन तुम झूठे हो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए कब कहा था हकीकत यह है कि ये जो गैर अल्लाह को पूजना है ना ये भी असल में अपनी ख्वाहिशात ही की पूजा है कि जो चीज अट्रैक्ट करे जो चीज मुजयन हो उसके पीछे लग जाए इंसान ये दुनिया में जो बहुत से इलाहों का कॉन्सेप्ट है वो किस वजह से बना या इंसान उनसे डरा या उनसे उसने कोई फायदा हासिल किया या उनसे उसकी कोई ख्वाहिश पूरी हुई तो वो उसी के आगे बिछ गया जबकि इन सबको भी बनाया था रब ने और रब को वो भूल गया रब को भूलना यही दरअसल बहुत बड़ी नाशुक्री है उस दिन वो अल्लाह के हजूर अपनी फरमा बरदारी पेश करेंगे के दिन कहेंगे अब हम फर्मा बरदार बनते हैं और जो कुछ इफ्तरा परदाजिया वो करते थे सब कुछ उन्हें भूल जाएगा ये वो लोग होंगे जिन्होंने कुफुर किया और अल्लाह की राह से रोकते रहे हम इनके अजाब पर मजीद अजाब का इजाफा करते जाएंगे इसलिए कि वो फसाद मचाया करते थे और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन्हीं में से गवाह खड़ा करेंगे और इन पर हम आपको गवाह लाएंगे और हमने आप पर ऐसी किताब नाजिर की है जिसमें हर चीज की वजाहत मौजूद है और इसमें मुसलमानों के लिए हिदायत रहमत और खुशखबरी है तो क्या के दिन नबी अलैहि वसल्लम गवाही देंगे पिछले तमाम अम्बी आकी कि उन्होंने अपनी उम्मतों को पैगाम पहुंचा दिया आपको कैसे पता चला वही के जरिए क्योंकि गवाही इल्म की बिना पर दी जाती है इन्या अमरबिल आदरी वल एहसानी व इताबा वनकर तुम्हे एहसान और कराबत दारो को इमदाद देने का हुक्म देता है और बेहयाई बुरे काम और सरकशी से मना करता है वो तुम्हे इसलिए नसीहत करता है कि तुम इसे कबूल कर लो और याद रखो कुरानी मजीद की ये आयत जो है ये बहुत जाम आयत है इसको सबसे जामे आयत करार दिया गया है जिसमें तीन काम करने का हुक्म है और तीन काम न करने का तीन कामों से रोका गया है सबसे पहले अदल का हुक्म है अदल से मुराद फरय अदा करना है या अदल से मुराद एतदाल की जिंदगी बसर करना है और एहसान से मुराद मुस्तहबात को अदा करना है हक से ज्यादा देना है खासतौर पर रिश्तेदारों से एहसान का हुक्म दिया गया है क्योंकि इंसान बराबरी का मामला करना चाहता है जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे लेकिन करना क्या चाहिए कि वो ना भी करे तो आप करें वो कम करे तो आप ज्यादा करें वो भूल जाए तो आप याद रखें उनको वो मैसेज ना करें रमजान मुबारक का तो आप कर दें रसूल वसल्लम ने फरमाया बुल्ल और हामकुम वल सलाम अपने रिश्तेदारियों को ताजा रखो गीला रखो खास सलाम के साथ ही क्यों नहीं तो रिश्तेदारों को सलाम दुआ करते रहें असल में जब बहुत अरसे तक हम नहीं करते ना फिर क्या होता है फिर और शर्म आती है कहेंगे याद आ गए हम वो कहते भी हैं असल में तो फिर हम इस बात को नहीं सुन पाते कि हाय ये कहेंगे इसलिए हम अब भी नहीं करते और इस तरह दूरियां होती ही चली जाती हैं अरसा गुजरता ही चला जाता है तो इस दफा हिम्मत कर रहे क्योंकि अल्लाह की मार्फत बंदे को इस काबिल बनाती है कि वो लोगों की बातें सुन ले वो लोगों की बातें सुनने के काबिल हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि मेरा रब जानता है मैं क्या हूं और मैं क्यों कर रहा हूं तो अगर लोग नहीं समझते तो क्या हुआ तो ये पहचान या ये, ये मार्फत जो होती है ये बंदे को बहुत स्ट्रांग कर देती है वो छोटी छुट छोटी बातों पे पे नाराज नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके बारे में ओपिनियन होते हैं जिससे आप ओफेंड होते हैं तो सो वट हु केयर्स करते रहे आप अपनी तरफ से वो करें जो आपको करना चाहिए किसी की ऐसी बात की वजह से नेकी का काम छोड़ नहीं देना चाहिए क्योंकि सिला रहमी से उम्र में भी इजाफा होता है रिस्क में भी इजाफा होता है अगर ये दो चीजें ज्यादा चाहिए तो लोगों की बातों की परवाह न करें, एहसान का मामला करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के आखिरी अयाम में वसीयत जो की थी वो क्या थी कहा अर हा मुकुम अर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार यानी रहम के रिश्तों को तोड़ने से बचो बहन भाईयों को बाजुकत हम इंतजार करते रहते हैं कि उनकी तरफ से पहल हो नहीं हमें फिक्र होनी चाहिए पहले मैं आगे रेस में निकल जाऊं जैसे दौड़ रहे होते हैं ना तो उस वक्त कितनी आप एफर्ट लगाते हैं कि नहीं मैंने आगे निकलना है मैंने जीतना है तो नेकियों में भी फंसता बिल्कुल खैरात में भी, भी इन इस बात का इंतजार ना करें कि कोई करेगा तो मैं भी कर लूंगा रिटर्न कर दूंगा जवाब नहीं पहल करने की सोचे जल्दी करें तो इन रूबिलासान व ईता दिल खुरबा तीन चीजें करने की आप देखिए कि कितने सारे काम हो सकते थे ना करने वाले लेकिन दो जामे बातें करके रिश्तेदारों को देने की बात करती और क्या नहीं करना फहश बातें फहश कलाम फोश अमल और मुनकर गुनाह के काम बघल सरकशी तो इताए कुर्बा के मुकाबले में सरकशी है कि हकदार को भी उसका हक ना दिया जाए और अगर तुमने अल्लाह से कोई अहद किया हो तो उसको पूरा करो और अपनी कस्मों को पक्का करने के बाद मत तोड़ो यानी अपनी मन्नतें नजरें पूरी करो जबकि तुम अपने कौलो करार पर अल्लाह को जामिन बना चुके हो जो तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है और उस औरत की तरह ना हो न जिसने बड़ी मेहनत से सूत का आता फिर खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला बाज लोग काम कर लेते गुस्से में आता है वही उठा के फेंक देते हैं तोड़ देते हैं जला देते हैं फाड़ देते हैं फेंक देते हैं। बाज लोगों को खाना पसंद नहीं आता तो उसको बिन में डालते हैं बात गुस्से के अजीब अजीब इजहार करते हैं सुन के इंसान हैरान होता है इंसान है या जानवर है क्योंकि जानवर भी ऐसा नहीं करते तुम अपनी कस्मों को बहवी मामला मकर फरेब का जरिया बनाते हो कि एक जमात दूसरी से नाजायज फायदा हासिल करे अल्लाह तो इन कस्मों और मुआदों के जरिए तुम्हारी आजमाइश करता है और क्यामत के दिन तुम पर यकीन इस बात की वजाहत कर देगा जिससे तुम इख्तलाफ किया करते थे और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है और जो कुछ तुम करते रहे इससे मुतल जरूर तुम्हारी बास होगी नीज तुम अपनी कस्मों को बाहमी मामला में धोखा देने का जरिया ना बनाओ यानी झूठी कसम खा के नाजायज बेनिफिट मत हासिल करो वरना तुम्हारे कदम जम जाने के बाद फिर से उखड़ जाएंगे और अह शिक्नी की वजह से जो तुम अल्लाह की राह से रोकते रहे इसकी पादाश में तुम्हें बुरा नतीजा भुगतना होगा और आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब होगा अल्लाह से किए हुए अहद को थोड़ी सी कीमत के इवज मत बेचो क्योंकि जो कुछ अजर अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है और हम सबर करने वालों को उनके अच्छे अमाल के मुताबिक जरूर उनका अजर अता करेंगे सुबह अल्लाह दुनिया में जो कुछ है जाने वाला है और जो अल्लाह के पास आप अपने हाथों से भेज रहे है वो वहां जमा रहेगा मन अमे हम मिंदा कर ना वह मोमिन जो शख्स भी नेक कबल करेगा खा मर्द हो या औरत नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बशर्ते वो मोमिन ईमान शर्त है तो हम उसे पाकिजा जिंदगी बसर कर आएंगे सुफहान दुनिया में भी अच्छी जिंदगी का वादा है और आखिरत में उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक उन्हें उनका अजर अता करेंगे यानी ये नहीं की अगर हम अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो दुनिया खत्म ही हो जाती है नहीं जो शख्स सिर्फ दुनिया तलब करता है तो बात दुनिया भी नहीं उसको मिलती और आखरत तो है नहीं उसके लिए लेकिन जो आखिरत तलब करता है अल्लाह उसको वो भी देता है और दुनिया भी दे देता है तो अकलमंद कौन है जो आखरत तलब करे आखरत को प्रायरिटी बनाए वुरैतान फिर जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूत से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें यानी औज बिल्ला पढ़कर शुरू किया करें ताकि शैतान कारी पर किरात को मुश्तबे न करे खलत मल्त न कर दे उसे तदब्बर और तफक् से ना रोक दे इसी तरह नमाज में भी आके वो बसों से डालता है वा अला उसका उन लोगों पर कोई बस नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पे भरोसा कर दे तो अखलास के बाद तवक्ल ऐसी चीज है जो शैतान के फंदे से बचाती है इंसान को तो शैतान का जोर ऐसे लोगों पे नहीं चलता उसका बस तो सिर्फ उन्हीं लोगों पे चलता है जो उसे अपना सरपरस बनाते हैं और ऐसे ही लोग अल्लाह के शरीक बनाते हैं और जब हम एक आयत की बजाय दूसरी आयत तब्दील करके नाजिल करते हैं और अल्लाह जो कुछ नाजिल फरमाता है उसकी मसलियत को खूब जानता है तो ये लोग कहने लगते हैं कि तुम तो अपने पास से बना लाए हो इल्जाम हालांकि इनमें से अक्सर लोग हकीकत हाल को नहीं जानते आप इनसे कहिए कि इस कुरान को रूहल कुदुस ने आपके रब की तरफ से हक के साथ बतदरीज नाजिल किया है ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को मजबूत बना दे और मुसलमानों के लिए हिदायत और बशारत है हम खूब जानते हैं कि ये लोग कहते हैं कि कोई इंसान है जो इस नबी को ये कुरान सिखा जाता है हालांकि जिस शख्स की तरफ ये बात मंसूब करते हैं वो अजमी है वो अरबी नहीं और ये कुरान सलीस अरबी जबान में है बिला शुबा जो लोग अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते उन्हें वो कभी राह पर नहीं लाता और उनके लिए दर कजाब है झूठ तो सिर्फ वही लोग घटते हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते और यही लोग झूठे हैं जिस शख्स ने ईमान लाने के बाद अल्लाह से कुफर किया इल्ला ये कि वो मजबूर कर दिया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमिन हो तो ये माफ है यानी बहुत तकलीफ में गिर जाए तो अपनी जबान से कोई बात निकाल दे जिस पर उसका दिल राजी ना हो तो उसकी माफी मगर जिसने बराज़ा और रगबत कुफुर कबूल किया तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गजब है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है ये इसलिए कि उन्होंने आखरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद किया और अल्लाह फुर करने वालों को सीधी राह नहीं दिखाता तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की खातिर अपना दीन कुर्बान कर दिया दीन छोड़ दिया खामद हो गए या दीन पर अमल छोड़ दिया या अपने फराइज अदा करना छोड़ दिए याद रखिए दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना घाटे का मूजब है आखिरत में महरूमी का सबब है तो दुनिया की नीयत इंसान के अमल को भी हकीर कर देती है रसूल फरमाया जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करे और सिर्फ एक रस्सी हासिल करने की नीयत करे कि मैं वहां जाता हूँ गनीमत से कुछ मिल जाएगा तो उसके लिए वही है जिसकी उसने नीयत की मैनी दीन का काम करके फिर दुनिया के हकीर छोटे छोटे, छोटे फायदों के तवक् रखना और उसका इंतजार करना ये सरासर खसारे की बात है उला इकल तब अल्लाह अला कलू बिहम व समसारहीम व उला इकहमल् फिलून यही लोग हैं जिनके दिलों कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है सफर ये क्या चीज होती है ये दुनिया की मोहब्बत होती है जो इंसान को अंधा कर देती है और इंसान अपनी आखिरत के फायदे को भूल जाता है और यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं यानी शैतान का वार क्या होता है नेकी के काम से इंसान को पीछे हटाता है उसे गाफिल करता है फिर उसे दुनिया को कोई काम से है फिर उसमें उसकी रबत दिलाता है फिर उसमें उसको फायदे बताता है फिर इंसान उसमें इतना पड़ जाता है कि दीन से कोसों दूर निकल जाता है और इस तरह इंसान दुनिया को ही अपना महवर वकसद बना लेता है तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह की बात समझ नहीं आती तब अल्लाह खलूबहिम बम बबसारहम न कलाम इलाही सुन सकते हैं ना आयात में गौर कर सकते हैं लाजरमाती लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले है फिर जिन लोगों ने मसाइब उठाने के बाद हिजरत की फिर जिहाद किया और सबर करते रहे तो आपका रब बिला शुबा इन आजमाइशों के बाद इन्हें माफ करने वाला और रहम करने वाला है इन कुर्बानियों को कबूल करता है जिस दिन हर शख्स अपनी बाबत झगड़ा ही करता हुआ आएगा हर शख्स अपना दिफा कर रहा होगा मैंने ये गलती नहीं की मैंने क्यों की मुझे किसने बहकाया हर कोई अपनी तरफ से हुजतें पेश कर रहा होगा अपने अंदर इतना मशगूल होगा कि सब भूल जाएंगे। और हर एक को उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कुछ जुल्म ना होगा अल्लाह ताला एक बस्ती की मिसाल बयान करता है जो अमन और चैन से रहती थी और हर तरफ से उसका रिस्क बफरागत उसे पहुंच रहा था मक्का की तरफ इशारा है फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके करतूतों का मजा ये चखाया कि उन पर भूख और खौफ का अजाब मुसलत कर दिया उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आ चुका जिसे उन्होंने जुटला दिया तो अजाब ने उन्हें आ लिया और वो बे इंसाफ लोग थे बस अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल और पाकिजा रिस्क दिया है वो ही खाओ अगर तुम वाकई उसकी इबादत करने वाले हो सुबहान हलाल खाना भी इबादत है इनकुन अगर तुम उसकी बंदगी करने वाले हो, तो अल्लाह की ना करो खाओ लेकिन अदा करो। ने जो कुछ तुम पे हराम किया है वो है मुर्दार खून का गोश्त और हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर मुश्तहर की गई हो इन पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो बुतों का नाम या बुजुर्गो का नाम फिर वो शख्स उनमें से कोई चीज खाने पे मजबूर हो जाए बशर्ते के ना तो वो शरा कानून का बागी हो और ना जरूरत से ज्यादा खाने वाला हो तो ऐसे शख्स को अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है जो झूठ तुम्हारी जबानों पर आ जाए उसकी बिना पे यू ना कहा करो ये चीज हलाल है ये हराम है हलाल हराम तुम्हारे कहने से नहीं होती कोई चीज इसका इख्तियार आपको नहीं दिया गया ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के पास ही है अथॉरिटी कि तुम अल्लाह पर झूठ अफ्तरा करने लगो जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा घड़ते हैं वो कभी फला नहीं पाते मता उन कलील वलभु अजाब उन अलीम ऐसे झूठ का फायदा तो थोड़ा सा है मगर आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है और यहूदियों पर हमने जो कुछ हराम किया था वो हम इससे पहले आपको बयान कर चुके हैं उन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते थे अलबत् जिन लोगों ने लाइलि की बिना पर कोई बुरा काम किया फिर उसके बाद तोबा कर ली और अपनी इसलाह कर ली तो उसके बाद आपका रब यकीनन माफ करने वाला और रहम करने वाला है इन इब्राहिम उम्मत पानित हनी मुशरकिन इब्राहिम अलैहि सलाम की तारीफ बयान हो रही और वो हमारे लिए उस वसना है बिला शुबा इब्राहिम अपनी जात में एक उम्मत थे यानी पूरी उम्मत जितना काम कर दिया उन्होंने खा उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा उस वक्त नहीं थे अल्लाह के फर्मा बरदार थे कानित दवा में थे शाकिर इजतबाह की शुक्र गुजार थे तारीफ अल्लाह ने उन्हें चुन लिया और सीधी राह दिखा दी तो शुक्र गुजार को अल्लाह तुनिया में भी भाग लगाता है वह आतना फिर दुनिया हसना वह इन फिल्म हमने उन्हें दुनिया में भी भलाई अता की और आखिरत में तो वो यकीन सालिन में से होंगे फिर हमने आपकी तरफ वही की कि यकसू रहने वाले इब्राहिम की मिलत की इतबा करो और वो मशरक न थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या हुक्म है कि वह इब्राहिम की पैरवी करें और रहा सब हफ्ते का दिन तो वो सिर्फ उन लोगों पर मुसलत किया गया जिन्होंने इस बारे में इख्तलाफ किया था आपका रब क्यामत के दिन यकीन इन बातों का फैसला करेगा जिनमें ये इख्तलाफ किया करते थे। सबील हिकमत वजा दिल ही अहसन। हुआ आलम सबी व हुआ आलमिलहत ऐन अभी आप लोगो को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और उमदा नसीहत के साथ दावा दीजिए ये दावा का तरीका कार बताया गया की हर वक्त दावा नहीं होता होते है मौके की मुनासबत से बात करना और उम्दा नसीहत जो दूसरे के दिल में उतर जाए और इनसे ऐसे तरीके से मुबाशा कीजिए जो बेहतरीन हो कभी आर्गूमेंट दलील देने की भी जरूरत पेश आती है वो भी खूबसूरत हो बिला शुबाब का रब इसे भी, भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटक चुका है और वो सीधे रास्ते पर चलने वालों को भी खूब जानता है वह इन आकब तुम आकबिमा उब तुम भी और अगर तुम्हे बदला लेना हो तो इतना ही बदला लो जितनी तुम पर ज्यादा हुई और अगर बर्दाश्त कर जाओ तो सबर करने वालों के लिए यही बात बेहतर है तो याद रखिये बुराई के बदले में फरमाया आप सबर कीजिए और आपका सबर अल्लाह की तौफीक से सब अल्लाह से मांगना चाहिए क्योंकि अल्लाह ही देता है और इन लोगों के मुतल रंजीदा ना हो और इनकी चालबाजियों पर तंगी महसूस न करें